बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ यासिर अहमद फ्रॉम एबेकस इंटरनेशनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अप्रूव्ड निबोस सेंटर इन पाकिस्तान। तो जो भी कैंडिडेट्स निबोस की क्वालिफिकेशंस करना चाह रहे हैं, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है इनको पता हो कि निबोस ने कौन कौन से ऐसी कंपनीज़ हैं, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जिनको उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि वो निबोस की क्वालिफिकेशंस को डिलीवर कर सकें। आपको क्यों निबोस की जो है अप्रूव्ड सेंटर से ही निबोस की क्वालिफिकेशंस करना चाहिए, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि निबोस ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसके बिहाफ पे वो उनको अप्रूव करते हैं। फिर उनकी जो फैकल्टीज़ है वो इंतहाई अहम है कि उनके जो भी ट्रेनर्स हैं निबोस को पढ़ा रहे हैं उनको निबोस ने अप्रूव किया हुआ है। अब निबोस के अप्रूव करने का भी एक सर्टन क्राइटेरिया है जिसमें वो ट्रेनर्स की असेसमेंट करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, और उनकी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमाज या डिग्रीज देखते हैं, और ओवरऑल जब एक मार्किंग सेट होती है उनके स्टैंडर्ड पे तो फिर जाके वो एक ट्रेनर को अप्रूव करते हैं। तो जब भी आप एक अप्रूव ट्रेनर से क्वालिफिकेशंस लेते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जो पास होने की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बजाय के उस ऐसे ट्रेनर के कि जिसको निबोस ने सर्टिफाइड नहीं किया और बाद में यकीनन वो उसके लिए आंसरेबल भी नहीं है। तो दूसरा ये है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि निबोस को आप कैसे पता चले आपको कि निबोस ने कौन कौन से सेंटर प्रूव किए हैं। तो उसके लिए निबोस ने इंतहाई सिंपल कर दिया, बड़ा आसान कर दिया अपने कैंडिडेट्स के लिए कि आपने देखना हो प्रूव सेंटर्स को। तो सबसे पहले आप जाएं यहाँ पर अपने गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको ओपन करें, वहाँ पर आप टाइप करें www.nibosh.org.uk। ये आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने निबोस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। और इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप सबसे पहले जाएंगे वेयर टू स्टडी पे। वेयर टू स्टडी में टैब आएगी आपकी, उसको ओपन करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा फाइंड ए कोर्स प्रोवाइडर। पहला जो आ रहा है वो फाइंड ए कोर्स है कि आपने कौन सा कोर्स करना है, और नंबर टू पे आएगा फाइंड ए कोर्स प्रोवाइडर जो के निबोस के अप्रूव सेंटर्स हैं। आप वहां पर जाएं और जैसे ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी इसके बाद, तो उसमें जो सबसे पहली आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वो आएगी क्वालिफिकेशन की। तो आपको चूँकि आपने निबोस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट करना है जो कि मोस्ट डिमांडिंग है, और मोर देन 90% लोग जो है वो निबोस IGCSE ही करते हैं, तो आप यहां पर जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ़ क्वालिफिकेशन हैं, इसमें आप फाइंड आउट कर लें इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। आप इसको क्लिक करें, नीचे कंट्री आ गया, कंट्री में आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप देखने के नीचे जितनी भी उन्होंने मोड ऑफ़ स्टडीज़ दिया हुआ है वो सब पे क्लिक है, फिर आप सर्च कर लें। जब आप सर्च करेंगे तो वो कुछ टाइम लेगा उसको रिजल्ट्स देने में, डेटाबेस से सर्च करने में। तो उसके आप देखेंगे उसके थोड़ी देर बाद आपको तकरीबन एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 10 जो इंस्टीट्यूशंस आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अबेकस इंटरनेशनल HSE सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसके बिल्कुल राइट में वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी दे देगा कि इनकी जो एड्रेस क्या है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इनकी ईमेल एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है, और इनके पास कौन कौन से मोड ऑफ़ स्टडीज़ हैं, जैसे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं या फुल टाइम ब्लॉक रिलीज है या पार्ट टाइम एंड इवनिंग है। तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये सर्टिफाइड जो है एक सेंटर है निबोस का, अप्रूव्ड सेंटर है। जब भी कोई सेंटर अप्रूव होगा तो उसके लिए कंपलसरी होगा कि उसके पास जो ट्रेनर हैं वो भी अप्रूव्ड हों। तो लिहाजा आप बिल्कुल फ्री माइंड हो के विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप एक अप्रूव्ड सेंटर के पास जाएँ, वहाँ पर अपना एडमिशन्स लें, उनसे उसका स्केजुअल पूछें और अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन करें, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो आपका वेट कर रहा होगा। हमारा जो चैनल है बैकस इंटरनेशनल YouTube पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा इसी तरह Facebook पे भी है बैकस इंटरनेशनल HSE सर्विसेज के नाम से, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, सी फर्श कर लें उसको, तो आपको अपडेट सारी मिलती रहेंगी। हमारी वेबसाइट है www.abacus-int.com, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।